हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सीएस के में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा मैथ का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या करवाया था आपको, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। और इस लेक्चर में मैं क्या करवाऊंगा, जो हमारे डाउट वाले क्वेश्चन थे, जो होमवर्क के क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन को सोल्व करवाऊंगा मैं, जो 3 होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है, क्योंकि 102 नंबर का क्वेश्चन हमारा वर्ग निकालने पे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में डायरेक्टली बनता है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सवाल नंबर हम फर्स्ट करते हैं अपना, जो रह गया था हमारा। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे आपने स्क्रीन पे देखा, ये होमवर्क के 3 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने। तो 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, 99 × 99 का वर्ग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 99 × 99, इसका मान बताना था कि क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए, तो उसे ऐसे करना, डायरेक्ट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं हम, इसका बेस क्या, किसके नजदीक है, तो बेस यानी कि 100 के नजदीक है, तो इसके बेस को हम क्या मान लेते हैं, इसके बेस को मान लेते हैं 100। तो 100 − 1 करेंगे तो ये भी तो हमारा 99 हुआ, और इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 99 से कर देंगे। ठीक है, ये हुआ। अब 99 की इसमें करेंगे तो जल्दी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 99, 2 0 ये लग गए, यानी कि 99 और माइनस के 99। ठीक है, अब इसमें से घटा लो तो ये क्या बचेगा, 9801। तो यही हमारा आंसर। तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 9801। ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा होमवर्क का, इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, और मैंने दिखाया भी था आपको ये कितने सनों में पूछा गया है, आरआरबी एलपी में और ग्रुप डी में कितनी बार पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम बेस बनते हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या है ये रहा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये है 3.0 × 0.3 × 0.03 × 0.003। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, 0.003। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे तो हमारा 3 ही है डायरेक्ट। ठीक है, इसमें क्या कर लेते हैं, इसके पॉइंट हटा लेते हैं, क्या करते हैं, इसके पॉइंट हटा लेते हैं। तो इस पॉइंट से तो कोई मतलब ही नहीं, ये तो हमारा 3 का 3 ही है। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओगे तो 1 0 लगाओगे। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को हटाओगे तो कितने हैं, डिजिट कितनी है पॉइंट के बाद, 2 डिजिट है। ठीक है, तो 2 0। इस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 0। ठीक है, उसके बाद अब सब ये हमारे 3 ही 3 बन गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 × 9 × 3 कितना हुआ, 3 × 9 × 27 × 81, यानी कि 81। और नीचे क्या हुआ हमारा, 1 0 3 0 और 3 6 0, यानी कि 6 0। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 81 × 10⁻⁶। यही हमारा आंसर था। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 81 × 10⁻⁶। ठीक है, इस सिचुएशन में हम ऐसे अगर डायरेक्ट सॉल्व करते तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता। हमने क्या करा, पॉइंटों को खत्म किया। अब आपको पता है कि पॉइंटों को खत्म करने के बाद क्या होता है, जैसे हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या होता है, हमारा 0 बढ़ जाता है। उसके बाद जितनी डिजिट दी होंगी पॉइंट के बाद, उतने ही 0 लगते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया। और नंबर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि 3 कैसे दिया हुआ था हमारा, होमवर्क का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ था हमारे होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था 0.5 का वर्ग, ठीक है, माइनस के 0.4 की 4, 0.5 का वर्ग
और प्लस के 0.4 का वर्ग, इसका मान बताना है। क्या बताना है? इसका मान। अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूले नोट करवाए थे। फॉर्मूले क्या नोट करवाए थे? मैंने फॉर्मूला नोट करवाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम लोग क्या करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या करते थे, एक बार जोड़ते थे और एक बार घटाते थे। तो उसी फॉर्मूले का यूज कहाँ करेंगे हम? इस सवाल में करेंगे, क्योंकि हमें कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 0.5 की 4 और 0.4 की 4 को हम क्या बनाएंगे? वर्ग वाला बनाएंगे। तो वर्ग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं कैसे वर्ग करते हैं। तो 0.5 का वर्ग, और इसे मैं ये लिख सकता हूं ना, वर्ग के ऊपर वर्ग, बात एक ही है, दो और दो चार ही होती है, घात तो हमारी 4 होगी, मगर हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। माइनस इधर क्या है, इधर है 0.4 का वर्ग और इसका वर्ग, ये लिख दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि हमारी घात तो सेम है। बस हमने क्या करा, एक संक्षिप्त रूप देने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए हमने ये कंडीशन अप्लाई की है, ठीक है। उसके बाद हमारा नीचे क्या लिखा हुआ है, हमारा नीचे लिखा हुआ है 0.5 का वर्ग, ठीक है, प्लस 0.4 का वर्ग, ये लिखा हुआ है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब ये हमारी कंडीशन क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया ना। ये हमारी कंडीशन क्या हुई, ये जो कंडीशन हुई क्या हुई हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हुआ ना। अब ए स्क्वायर को क्या करते थे, ए प्लस बी कर देते थे और ए माइनस बी कर देते थे, यही तो करते थे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यही करेंगे, क्या 0.5 के वर्ग प्लस 0.4 का वर्ग, एक बार जोड़ देंगे, ठीक है, और एक बार घटा देंगे। 0.5 का वर्ग माइनस 0.4 का वर्ग, ये करा, और नीचे बटे में हमारे क्या है, ये है 0.5 का वर्ग प्लस के 0.4 का वर्ग, ठीक है। तो हमारा इससे क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया, तो ये क्या बचा हमारा, आगे को नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, 0.5 का वर्ग, तो 0.5 का वर्ग क्या होता है, 0.25, यही तो होगा 0.25 माइनस, ये क्या 0.4 का वर्ग क्या होगा, 0.16, यही तो होगा। अब 0.25 में से 0.16 जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, 0.09, यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो ये थे हमारे होमवर्क के क्वेश्चन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ दो चार क्वेश्चन और करवाता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, आपने बोर्ड पे देख भी लिया था कि किस किस सन में आए हुए हैं, कितने कितने सनों में क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टाइप के ही क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। अब मैं आपको करवाऊंगा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, तो देखिए हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेनली रेलवे बेस ही है, रेलवे में कोई भारी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन अब नेक्स्ट करवाता हूँ किस टाइप के, मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, क्या बताई थी कि अगर हमारी सीरीज ये है 2, ये है 2, ठीक है, ये है 2 और ये है 2, अगर हमारे इस टाइप की सीरीज दी हो, इन्फिनिटी तक दी हो, अगर हमारी इस टाइप की सीरीज दी हो और इन्फिनिटी तक दी हो, अनंत तक दी हो, तो इस कंडीशन में क्या है हमारा, अगर सीरीज हमारी ऐसी आएगी कि अनंत तक दी होगी, ऐसा करके अनंत तक √2 √2 √2 चल जाएगा अनंत तक, तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, आंसर हमेशा 2 ही होता है, यानी कि जो रहेगा वो ही आंसर होगा। क्या अगर मैं इसकी जगह क्या कर दूं, यहां पे अगर मेरा ये √a … इन्फिनी तक चलेगा, तो मेरा इसका जो आंसर रहेगा हमेशा क्या रहेगा, a आएगा,
यानी कि जो रूट में दिया होता है वो ही हमेशा आंसर होता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया है क्या, टू रूट डॉट डॉट इन्फिनिटी तक गया है, तो हमारा क्या आया, इसका आंसर 2 आया। अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं दिया होता, अनंत तक नहीं दिया होता, यहाँ पे आपका अनंत ना दिया हो, यहाँ पे क्या है, अगर आपका अनंत ना दिया हो, यहाँ पे वो कर ले 5 टाइम्स, क्या लिखे थे, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स दे दे, कि 5 बार रूट रूट टू लगा हुआ है। ठीक है, क्या है कि 5 टाइम्स का मतलब यानी कि 5 बार रूट टू है, 5 बार रूट टू है, तो तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो तब इसका फॉर्मूला इसे सोल्व करते हैं कैसे, एक्स, तो इसे फॉर्मूले में सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, x2n-1 ठीक है अपॉन में x, ठीक है 2n, क्या होता है इसका फॉर्मूला, x की पावर 2n, तब इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं हम, ये है हमारा फॉर्मूला। तब इस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी में, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम इसे। अब एक्स क्या होता है हमारा, एक्स होती है हमारी ये वाली वैल्यू, ठीक है, और एन क्या होता है, एन होता है वो कि कितनी नंबर ऑफ टर्म है, कितनी, 5 टाइम्स दे रखा, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी, 5, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म है, अगर ये 5 ना देगा, यहां तक ही छोड़ देता और ये हटा देता ये, तो कितनी ऑफ नंबर ऑफ टर्म हो जाती है, एन का मान कितना हो जाता, 4, ठीक है, मगर इसने क्या करा है, 5 टाइम के लिए बोला है, या 10 टाइम के लिए बोला होता तो 10 हो जाता है, एन का मान क्या हो जाता हमारा, 10, तो ठीक है, इसमें क्या है हमारा, एन का मान हो गया 5, तो एक्स का मान हो गया 2, एन का मान हो गया 5-1 अपॉन 2 और 2 की पावर 5 n, 2 की पावर n, तो यानी कि 5, तो ये क्या आया हमारा, 2 की पावर 5, यानी कि 2 की पावर 5, यानी कि क्या हुआ, 2 की पावर 5 क्या होता है, यानी कि 2 बार 2 2 2 2, तो 2 की पावर 5 क्या होगा, यानी कि 5 बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये क्या होगा, 32-1 अपॉन, ये क्या होगा, 2 की पावर 32, ये होगा ना, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 2 की पावर 32-1 यानी कि 31 बटे 2 की पावर 32, तो यही हमारा क्या है, इसका आंसर है, इस फॉर्मूले से क्या है इसका आंसर, ये है, क्या है इसका आंसर, ये है, यानी कि 2 की फॉर्मूला क्या किया हमने, x2n-1 अपॉन x2n, ठीक है, x क्या था हमारा, 2 था, x 2 था, ठीक है, n का मान क्या था, 5 टाइम्स था, यानी कि 5 बार बताया है इनने कि रूट जो है हमारा कितनी बार गया है, 5 बार गया है, तो 2n की पावर 5 यानी कि 2n5, 2n5 क्या, यानी कि 5 बार 2 2, तो 5 बार 2 2 32, तो 2 की पावर 32-1 अपॉन 2 की पावर 32, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का मैं दूसरा सवाल करता हूं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, अच्छा दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल अगर ऐसा ही दिया हो, ठीक है, दूसरा सवाल अगर हमारा क्या दिया हुआ है, यही दिया हो, √3 3 दे दो, √3 √3 √3 डॉट 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 इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी दी है, अगर सवाल हमारा यह आ जाए, तो अब मैंने अभी क्या बताया था आपको, मैंने अभी बताया था कि अगर हमारे सवाल में इन्फिनिटी आ जाए तो हमारा आंसर सेम क्या होता है, वो ही होता है आंसर, क्या होगा जो उसमें होगा वर्गमूल में, वो ही हमारा आंसर होता है 3, ठीक है, मगर कंडीशन है कि अगर ये इन्फिनिटी खत्म हो जाए तो हमारा आंसर फिर 3 ना होकर और कुछ चेंज हो जाता है, इसमें वो क्या फॉर्मूला लगता है, फिर इसमें फॉर्मूला लगता है वही वाला जो मैंने अभी आपको करवाया, 2n-1 अपॉन x की 2n, ठीक है, अब लगाओ ये दे दिया आपको, कितना दिया ये आपको, ये अगर दे दे आपको 4 टाइम्स, 4 टाइम क्या दे दे आपको, 4 टाइम्स दे दे, तो
तो तब क्या करेंगे हम, तो हमारा एक्स का मान क्या हो गया 3 और ये क्या हुआ हमारा 2, तो 2 की पावर कितनी 4, 2 की पावर कितनी 4 -1 अपॉन 3 2 की पावर 4, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे जो 2 ही रहेगा ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा 3, अब 2 की पावर 4, 4 बार 2 2, तो 4 बार 2 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 -1 अपॉन ये क्या हो गया 3 की पावर 16, तो यहां से क्या निकल कर आया 3 की पावर 15 अपॉन 3 की पावर 16, तो हमारा आंसर क्या आया ये आया, ठीक है। इसमें एक सवाल और देख लो, इसी टाइप से एक सवाल और देख लो। अच्छा एक क्वेश्चन दिया हो, जैसे 11 रूट 11 रूट 11 रूट 11 डॉट 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 10 टाइम्स, क्या दिया है 10 टाइम्स, हमारा 11 रूट 11 रूट 11 क्या दिया है 10 टाइम्स दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला ही यूज होगा हमारा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम, 11 एक्स का मान है ठीक है इंटू 2, और ये क्या हुआ 10 टाइम्स है ना, 10 टाइम्स है क्या हमारा 10 टाइम्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा 20, 2 की पावर 10 -1 ठीक है यही तो है अपॉन 11 2 की पावर 10 ये हो जाएगा, ठीक है 2 की पावर 10 n n है ये n, यहाँ पे ये s है इसके वर्ग ऊपर है ठीक है ये है ठीक है, तो 11 2 की पावर 10 -1 11 2 की पावर 10 ठीक है। अब यहाँ पे 11, अब 2 की पावर 10 क्या होता है, 2 की पावर 10 यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दो कितना 10 टाइम्स, 10 टाइम्स आपको पता ही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी कितना 1024, 1024 -1 अपॉन 11 की पावर 1024 ठीक है, तो आंसर कितना आया हमारा 11 की पावर 1023 आ गया, क्योंकि इसमें से 1 घट जाएगा ऊपर 11 की पावर 1024, तो आंसर आया ये हमारा। तो इस टाइप के सवाल ऐसे कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, क्या था कि डिफरेंट लेवल से किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, मैंने उस दिन आपको क्वेश्चन करवाया था, एक ही क्वेश्चन करवाया था, मगर कुछ बच्चों के डाउट थे कि इस टाइप का क्वेश्चन हो नहीं पा रहा था ठीक है, तो देखिए कैसे करवाते हैं। मैंने जो आपको क्या करवाई थी, एक ये ऐसे सीरीज वाला करवाया था ऐसे वर्गमूल में ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब हमारे फैक्टर ना दिए हों, फैक्टर ना हो तो क्या करते हैं, तो देखो ये दिया था हमारा m बराबर, क्या दिया है हमारा m, ये दिया है 20 -20 ठीक है -20 ठीक है -20 ये दे दिया हमारी क्या डॉट डॉट डॉट, और n बराबर क्या दिया हमारा, n बराबर दिया है 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट 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 या माइनस ठीक है डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो हमें क्या मान बताना है, हमें बताना m प्लस एन बराबर क्या, हमें क्या बताना है एम प्लस एन बराबर क्या और एम माइनस एन बराबर क्या, दोनों मान बताने,
एम प्लस एन बराबर क्या होगा और एम माइनस एन बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये कंडीशन होती है तो यहाँ पे एक छुपा होता है, ठीक है, एक छुपा होता है, तो इनके ऐसे गुणनखंड करो, ऐसे टुकड़े करो इनके, इनके ऐसे गुणनखंड करो कि जो जिनमें अंतर एक हो। तो क्या है, 5 चौक 20, 5 और 4 हो गए, एक का अंतर है, ऐसी इसके करो, क्या करो, 3 चौक 12 4। और मैंने क्या बताया था, इस वाली कंडीशन में क्या होता है, अगर माइनस हो तो सबसे छोटा वाला मान होता, अगर प्लस हो तो बड़ा वाला मान होता। तो m का मान क्या हुआ, m का मान क्या हुआ इस कंडीशन में, m का मान हुआ माइनस है तो 4, ठीक है, m का मान यहां से क्या निकल के आया, 4, और n का मान यहां से इस सीरीज से क्या निकल के आया, प्लस है तो 4, 4 निकल के आया ना, प्लस वाले में बड़ा मान, माइनस वाले में छोटा मान, तो इसमें था माइनस, तो एम में से माइनस था तो क्या आया, एम का मान 4, और इसमें प्लस है तो एन का मान क्या आया, 4, तो एम और एन के मान आ गए, इसमें डाल दो, तो हमारा क्या था, एम प्लस एन इक्वल्स टू क्या था, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, तो इसका आंसर 8 था। एम माइनस एन क्या था, तो m माइनस एन क्या था, 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4 से 4 कट गया, तो ये हमारा क्या था आंसर। इस टाइप से सवाल आ जाता है, ठीक है। अच्छा देख लो, ये तो सवाल था, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं, ये हमारा क्या था, a प्लस ए, ठीक है, उस दिन वाला क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन उठा लेता हूं उस दिन वाला, क्या था, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था आपको, चलो क्वेश्चन वैसे इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अब स्क्वायर रूट सीख लेते हैं, स्क्वायर रूट में सीख लेते हैं क्या क्या होता है, स्क्वायर स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं, ठीक है, क्या सीखते हैं हम, स्क्वायर निकालना, अब सीखेंगे हम स्क्वायर, स्क्वायर यानी के वर्ग, क्या सीखेंगे हम, वर्ग निकालना। पहली बात, हमें नौ तक का वर्ग तो याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नौ तक का वर्ग याद होना, एक का वर्ग क्या होता है, दो का वर्ग, तीन का वर्ग, चार का वर्ग, पांच का वर्ग, छह का वर्ग, सात का वर्ग, आठ का वर्ग और 9 का वर्ग हर किसी को याद रहता है। हमें क्या है, एक से नौ तक के वर्ग तो याद होने चाहिए। एक का वर्ग क्या होता है, एक, दो का वर्ग 0 4, तीन का वर्ग, अच्छा वर्ग जो होता है हमारा 2 डिजिट में आता है, तो इसलिए मैंने 0 1 लिखा हुआ है। वर्ग क्या लिखते हैं, क्योंकि एक का वर्ग करेंगे आप, वर्ग किसी भी चीज का वर्ग करते हैं तो डबल हो जाता है ना, वर्ग का मतलब ही दुगना है, वर्ग का मतलब क्या है, दुगना, तो डबल हो जाता है, इसमें 2 डिजिट आते हैं, मगर इनमें जो है एक एक डिजिट था, तो इसीलिए इसके साथ क्या लगता है, 0104, और इसके साथ क्या लगता है, 09, बाकी सबके साथ डबल डिजिट आएगी, ठीक है। अब 4 का वर्ग क्या है, 16, 5 का वर्ग क्या है, 25, इसका मेन यूज बताऊंगा कि कहाँ यूज होता है, ये तीनों जो चीज है कहाँ यूज होती है। अब 6 का वर्ग क्या है, 36, 7 का वर्ग क्या है, 49, 8 का वर्ग क्या है, 64, और 9 का वर्ग क्या है, 81। ये वर्ग हमें याद हो गए, अब इससे आगे का हमें वर्ग याद नहीं है, वैसे तो 30 तक याद होने चाहिए, 30 तक याद करने कंपलसरी है, क्योंकि 30 तक याद करोगे तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी, ठीक है, बट क्या है कि अगर याद नहीं है चलो वो भी अच्छा, मगर फिर भी याद कर लेने चाहिए, 30 तक याद कर लेना। अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे हम, कि वर्ग कैसे निकालते हैं, तो वर्ग हम अगर इसका 12 का वर्ग निकालें, 12 का वर्ग निकालें, वैसे तो याद होगा मगर फिर भी हम 12 का वर्ग निकालें तो कैसे निकालते हैं, 12 का वर्ग निकालें तो कैसे निकालते हैं, हम पहले क्या करते हैं, 1 का वर्ग
देखो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक के वर्ग को एक ही लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, दो का वर्ग क्या हो गया हमारा, दो का वर्ग हो गया 4। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग लिख दिया हमने, इसका वर्ग लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसे, एक की मल्टीप्लाई इस दो वाले की मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, किसकी, एक की मल्टीप्लाई इस दो की मल्टीप्लाई और इस तीन दो की जो वर्ग है, क्या आया हमारा, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 4 आया, क्या आया हमारा, 4 आया, ठीक है। इसका वर्ग क्या आया था, 0, ठीक है। इसके नीचे आगे 0 लगाऊंगा तो कुछ नहीं, तो ये वाली संख्या मैंने क्या लिखी, ये वाली संख्या मेरी 104 आई ना, 104 आई ना, ठीक है। अब इस ये कितना आया मेरा, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4 आया ये मेरा, क्या आया, 4 ही तो आया मेरा, ये क्या आया मेरा, 4 ही तो आया, ये भी मेरा 4 आया। एक मिनट ऐसे देखो, ये देखो ये आया कितना हमारा, 4। तो एक डिजिट को ये आया हमारा 4, इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई, 4। अब इसमें क्या करते हैं, एक डिजिट को छोड़ देते हैं, अगली नेक्स्ट डिजिट के नीचे जोड़ते हैं, तो 4 का 4, 4 का 4, 1 4, तो 12 का वर्ग क्या हुआ, 12 का वर्ग हुआ 144, 144, यही आंसर है। समझ में नहीं आया, दूसरा समझा दे, आई होप समझ में आ जाना चाहिए, मगर नहीं आया ले दूसरा देख लो। हमें 13 का वर्ग दिया है, तो 13 के वर्ग को कैसे निकालेंगे, अच्छा फास्ट करते हैं, ठीक है। 1 का वर्ग 1 ही होता, 3 का वर्ग क्या लिखा मैंने, 09, मैंने क्या बताया था आपको, 2 डिजिट में लिखते तो 09 लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया था मैंने, 2 की 3 की 1 की मल्टीप्लाई, 2 × 3 = 2 = 6, अच्छा ही करना 6, तो 6 आ गया, क्या आया, 6 आया ना मेरा। अब मैंने क्या कहा था, इस डिजिट को छोड़ दो और इसमें जोड़ दो, तो 9 का तो 9 ही बचा, ये आया 6, ये आया 16, तो क्या आया मेरा 13 का वर्ग, 169, क्या आया, 169, ठीक है। ऐसे ही देख लो, किसका देख लो, 17 का वर्ग देख लो, 17 का वर्ग देख लो, 17 के वर्ग में क्या करेंगे, 1 का वर्ग, 17 के वर्ग में क्या करेंगे, 1 का वर्ग 1 और 7 का वर्ग 49, 2 डिजिट आ गई, 7 का वर्ग ये, 1 का वर्ग ये, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई, 7 की 2 की 1 की, तो 7 × 2 = 14, तो ये कितना हो गया, 14, 7 × 2 = 14, तो एक डिजिट छोड़ देते हैं, 14 इसमें ऐड कर लो, तो क्या आया हमारा, 9 का 9, 4 4 8 1 8 9, कितना, 289, दो भी तो जुड़ेगा ना, तो ये क्या आया, 289, तो 289 हमारा क्या हो गया, 17 का वर्ग हो गया, ठीक है। अच्छा इसे रफ कर देते हैं, नोट कर लो, देखो 17 का वर्ग निकाल लिया हमने, दो संख्याओं का किसी का भी वर्ग निकाल लेते हैं, इन डिजिट से हम दो संख्याओं का वर्ग निकाल लेते हैं। अब देखो कैसे हमें निकालना है, 27 का वर्ग, 27 का वर्ग क्या होता है, ठीक है। 27 का वर्ग निकालना है एग्जाम में जल्दी के लिए, क्या करते हैं, इसका वर्ग क्या हुआ, 4, और इसका वर्ग क्या हुआ, इसका वर्ग हुआ 449। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या बताई थी मैंने, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 2 = 14, 2 × 2 = 28, 28 ही तो आया, इसे ऐसे लिख दो, तो मैंने क्या बताया था, एक डिजिट छोड़ के इसमें को ऐड कर लेते हैं, तो 9 का 9, 8 × 4 = 12, 2 × 4 = 2, 6 × 1 = 7, तो क्या आया हमारा, 729। 27 का वर्ग क्या आया हमारा, 729, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट क्या ले लो, 41 45 47 ले लो, 47 ले लो, ठीक है, 47 लिया हमने, तो 4 का वर्ग 16, ठीक है, 7 का वर्ग 49, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, 7 × 28 = 56, 7 × 4 = 7 28 = 56, तो मैंने क्या कहा था, एक डिजिट छोड़ के इसमें ऐड कर लो, तो क्या होगा, 9 × 4 = 10, 6 का 0, 6 × 4 = 10, और 6 × 5 = 11, अरे 12 का 2, अरे 1 = 1 = 2, तो 2209।
सैतालीस का वर्ग क्या आएगा 2209, 47 का वर्ग क्या आएगा 2209। अच्छा इससे हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देख लो 96 का वर्ग, 100 के करीब भी देख लो। 96 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो 96 का वर्ग, इसका 9 का वर्ग क्या होता है 81, 6 का वर्ग क्या होता है ये होता है ना, और इनकी मल्टीप्लाई 2 × 6 × 9, तो ये क्या हुआ हमारा 6 × 54 दूनी, 54 दूनी कितना आया 6 × 54, और 54 दूनी कितना आया 108, ये तो आया 108। ठीक है, अब 108 को मैंने क्या बताया था, एक डिजिट छोड़ कर लिख दो, तो ये कितना आया 6 का 6, 8 × 2 = 10, 11 का 1, 1 का 2, 8 × 1 = 92, 16 क्या आया मेरा 92, 16। 96 का वर्ग क्या आया 92, 16। तो दो डिजिट के जो है वर्ग हम इससे निकाल सकते हैं आसानी से, और क्वेश्चन आप करके देख लेना। ठीक है, आप क्या निकालना 97 का वर्ग निकाल के देखना क्या होगा, 94 का वर्ग निकाल के देखना क्या होगा। ठीक है, 54 का देखना क्या होगा, 38 का वर्ग देखना क्या होगा। अगर आप प्रैक्टिस करके देखोगे तो प्रैक्टिस करते करते आपको सब वर्ग निकालने आ जाएंगे। तो ऐसे दो डिजिट का वर्ग निकालते हैं। अब मैं दिखाता हूँ 5 का वर्ग कैसे निकालते हैं, जिनकी लास्ट डिजिट 5 होती है और या लास्ट डिजिट 0 होती है, तो कैसे निकालते हैं। अच्छा, किसी संख्या में लास्ट डिजिट 5 हो तो कैसे वर्ग निकालते हैं। आपको पता होगा 5 वाली डिजिट में जो है हमेशा 5 ही 5 चला होता है। ठीक है, 5 का वर्ग कर लो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 12 कर लो 5, 5 लास्ट में जरूर आता है, लास्ट डिजिट जो आती है हमारी 5 ही आती है। तो इसका वर्ग क्या हुआ, इसका वर्ग बहुत आसान होता है निकालना, क्या इसका वर्ग लिखो 25। ठीक है, अब इससे जो अगली संख्या है, इससे अगली संख्या क्या 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आया 2 × 2 = 225, तो 15 का वर्ग क्या आया 225, क्या आया 225। क्या बताया मैंने, 15 का वर्ग निकालना, 15 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या होता है 25, 5 का वर्ग क्या होता है 25, और जो ये वाली संख्या जो है इस अगली संख्या क्या होगी 2, तो 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दे, 2 लिख दिया हमने, यहाँ पे क्या बन गया 225। देखो क्वेश्चन, जैसे हम निकालते 25 का वर्ग, 25 का वर्ग निकालेंगे, तो 25 का वर्ग निकालेंगे, इसका तो आपको पता है क्या होता है 25, 5 का वर्ग क्या होता है 25, इससे अगली संख्या क्या 3, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, तो क्या बनेगा हमारा 6 तो ये आ गया, 25 ये आ गया, 625। ठीक है, ऐसे निकलता है 5 वाला वर्ग। ठीक है, जैसे अपना नेक्स्ट देख लो 95 का वर्ग देख लो, आप 95 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया 95 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग आपको पता है 25 क्या होता है 25, और 9 का जो होता है 9 से अगली संख्या क्या होती है 10, तो 10 की अगर इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हुआ, यह आया 90 और यह आ गया 25, तो यही क्या हो गया 90 25, हमारा 95 का वर्ग होगा। ऐसे ही आप 75 55 35 45 इनके वर्ग निकाल के देखोगे सेम ऐसे ही निकलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम 0 डिजिट वाला, जिसके लास्ट में 0 आता है तो उसका क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 आता है तो उसकी क्या होता है। देखो जैसे जिसके लास्ट में 0, ये 10 है, 10 का वर्ग है, तो क्या होगा, ये 1 0 है तो इसका क्या हो जाता है, हमेशा मैंने बताई थी कि डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 0 है तो डबल 0 हो जाएगा, इसका क्या हो गया 100। अब जैसे आप देखो क्वेश्चन में मेरा क्या दिया है, इसका वर्ग दे दे 1000 का। ठीक है, तो 1000 का वर्ग क्या होगा, 0 के हमेशा डबल हो जाएंगे, जितने 0 दिए हैं उसके दुगने हो जाते हैं, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 3 0 तो यही थे, 3 0 और बढ़ जाएंगे, डबल 0 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे 6। ऐसे जैसे देख लो 80 का वर्ग, 80 का वर्ग क्या होगा, 0 डिजिट आ गई ना इसमें भी, तो 80 का वर्ग क्या होगा, मैं आपको पता है कि 80 का वर्ग निकालने के लिए 0 के डबल हो जाते तो डबल 0 तो ये हो जाएंगे,
आठ का वर्ग क्या होगा 64, तो ये हो गया 6400 वर्ग। ठीक है, आप जैसे देखो, क्या देखो, ये देखो 700 का वर्ग देखो आप, 700 का वर्ग क्या हुआ, तो इसमें क्या है, डबल जीरो है, तो मैंने क्या बताया था, जितने जीरो होते हैं उसके दो गुने हो जाते हैं, तो डबल के हो जाएंगे चार, और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल क्या होता है हमारा, ये जो चढ़ा हुआ होता है, यानी कि 900 का वर्ग क्या होगा, ठीक है, 144 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, अभी तो सीखा था हमने वर्ग करना, वर्ग कैसे करते हैं, फिर सीखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जो वर्ग किया है इनसे वर्ग वर्गमूल कैसे बनाएंगे, साधारण संख्या में कैसे निकालेंगे, तो कल की वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों चलिए विदा चाहते हैं, थैंक यू।